राजस्थान के कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा का पूर्वी राजस्थान में अच्छा खासा प्रभाव है, इसलिए जब दौसा में प्रधानमंत्री रोड शो करने आए थे तो उन्होंने बाबा को भरतपुर, धौलपुर करौली, अलवर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक सवाईमाधोपुर और कोटा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी दी थी। इन 7 सीटों में 3 सीटें तो बीजेपी जीत गई, मगर 4 पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। भरतपुर में कांग्रेस की संजना जाटव, धौलपुर करौली में कांग्रेस के भजनलाल जाटव, दौसा में कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा तो टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के हरिश्चंद्र मीणा ने जीत हासिल कर ली, लेकिन 4 सीटों पर बीजेपी को हार मिली। और इसी जिम्मेदारी के चलते चुनाव से पहले करौलीलाल मीणा ने यह भी कहा था कि अगर दौसा लोकसभा सीट बीजेपी हारी तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब क्योंकि चुनाव परिणाम को आए काफी वक्त हो गया, ऐसे में करौलीलाल मीणा का इस्तीफा चर्चा में बना हुआ है। हालांकि परिणाम आते ही करौलीलाल मीणा ने खुद अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी को लेकर बीते दिन कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर करौलीलाल मीणा पर तंज भी कसा था। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के एक्स हैंडल से पोस्ट हुआ था, बाबा ने कहा रघुकुल रीत है, मानी टूटी वचन पर कुर्सी बचाने की ठानी। लेकिन इन सबके बीच जनता की निगाहें करौलीलाल मीणा के फैसले पर टिकी है कि क्या वो इस असमंजस वाली स्थिति से कैसे बाहर निकलते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 9 दिन बाद ये खबर सामने आई कि करौलीलाल मीणा ने सरकारी गाड़ी छोड़ दी। साथ ही 4 जून के बाद से वो अपने विभाग नहीं जा रहे और विभाग से जुड़ी फाइलें भी नहीं देख रहे। उन्होंने हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा और दिल्ली में शीर्ष नेताओं से बात की है। कहा जा रहा है वो सीएम को इस्तीफा मेल कर सकते हैं, यानी इस्तीफे पर स्पष्टता अगले सप्ताह तक साफ होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।